उई मा आ, 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 राम जी कमर में बहुत दर्द हो गया बेटा, वहां से पानी ला देना। हाँ पापा अभी जाता हूँ मैं, ये लीजिए पापा। धन्यवाद बेटा। पापा मैं आपको 5 साल से बोल रहा हूँ जिम चलने के लिए, अब मेरी एक बात नहीं सुनती हो यार। बेटा हमारी ये उम्र नहीं रही जिम जाने की, हमारा कोई शौक नहीं है बॉडी बनाने का, तुम लोग ही बनाओ बॉडी। अभी हम जिम जाएंगे तो कहाँ हमारी बॉडी बनेगी। पापा आपको ऐसा देख के अच्छा नहीं लग रहा, आप दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे हो और आप अच्छा न्यूट्रिशन भी नहीं लेते हो। हम कोई कमजोर वमजोर नहीं हुए हैं, बस थोड़ा बैक पे पेन है हमारे। बेटा हम जितना खाते हैं उतना ठीक है हमारे लिए, आप जिम जाते हो आप ज्यादा खाओ। पापा ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम जिम जा रहे हैं तो हमें ही खाना चाहिए, आपको भी अच्छा न्यूट्रिशन लेना चाहिए। पापा जब भी आप जिम करते हो तभी उससे फिट होते हो, और ये सब जो प्रॉब्लम आ रही है आपको सब प्रॉब्लम नहीं आएगी, घुटने में दर्द बैक में दर्द ये सब प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आप जिम जाओगे तो आप अपना लाइफ ही एक्सटेंड कर रहे हो, और हमारे से ज्यादा तो आपको न्यूट्रिशन और जिम की जरूरत है, क्योंकि आपका अभी धीरे धीरे पूरा स्ट्रेंथ कम हो जा रहा है, बोन का हेल्थ खराब हो जा रहा है, मसल का हेल्थ खराब हो जा रहा है, आपको इधर उधर पेन हो रहे, तो आप जिम जाओगे तो ये सब बिल्कुल नहीं होने वाला। लाइफ में फिट रहना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है हर किसी के लिए, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। पापा आप कल से हमारे साथ जिम चल रहे हो, और एक बात नहीं सुनने वाला मैं आपकी।